सो भाई लोग, तुम्हारा कल पेपर है जो कि मैथ स्टैट्स एलआर का है। तो मेरा इसमें प्लानिंग कुछ और थी कि मैं एक 100 मार्क्स का एक तरीके से गैस पेपर जो होता है वो एक निकालूं, लेकिन उसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिला। मैंने ट्राई भी करा था, लगभग 20-25 क्वेश्चन तक मैंने तैयार कर लिए थे। और उसके बाद, क्योंकि तुम्हें पता ही है, उसे मतलब जो वर्ड होता है एमएस वर्ड, उस पर सारा सेट करना, एक एक मतलब आंसर तरीके से, क्योंकि मैं कहीं कहीं से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कहीं मॉड्यूल से निकाल रहा हूँ, मॉड्यूल से कॉपी नहीं होता वो, फिर उसको सेट करा पीडीएफ डाउनलोड करके, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी खुद की भी क्लासेस थी, अभी भी देखो क्लास हैगी, तो मैं इसे थोड़ा सा पॉज करके बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो फटाफट, और इसीलिए मैं इस एक तरीके से व्लॉग की तरह इसे बना रहा हूँ। तो इसमें मैं तुम्हें एक टास्क बता दूंगा जो तुम्हें करना है, और पीडीएफ, दो पीडीएफ है जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे तुम्हें डाउनलोड करना है। जिन कुत्ता भोंका है भाई। सो भाई, पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से तुम्हें डाउनलोड करना है। उसमें मैंने टिक लगा रखे हैं, मतलब जिन जिन क्वेश्चंस पे टिक लगा रखे हैं, और उन पे किसी किसी में ना साइड में लिख भी रखा है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन किस चीज पे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, सिंपल है, इजी है, हार्ड है, ठीक है। तो तुम्हें वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और अब तुम्हारे जितने भी टर्म तक तुम जगोगे उन्हें तुम सॉल्व करो। और मैंने ज्यादातर है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही टिक लगाया है, मतलब एक तरीके से उसे सिलेक्ट करके मैं एक अलग पीडीएफ में डालता, इससे बढ़िया मैंने फटाफट से टिक मार दिया जितना जल्दी हो सके, तो मैंने वो काम कर दिया है। अब मैं तुम्हें लास्ट में, देखो तुम्हें वो काम मिल गया, तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें कल कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं। अब तुम्हें लास्ट में मैं टिप्स बता देता हूँ कुछ मैथ्स के लिए, ताकि कल, मैथ्स के लिए नहीं मतलब पेपर नंबर 3 के लिए, ताकि कल तुम्हें इजी पड़ जाए अप्रोच कैसे करना है उस एग्जाम के, क्योंकि तुम पहली बार एमसीक्यू एग्जाम दोगे, क्योंकि तुम्हें ना ईको में आसानी पड़ेगी। ईको का पेपर लेंदी भी नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, 1 घंटे पहले हो जाता है जहां तक है, लेकिन मैथ में तुम्हें टाइम की भी दिक्कत पड़ेगी, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज याद रखनी है, एमसीक्यू के जो भी तुम आंसर लिखोगे, देखो तुम एक तरीके से ये भी कर सकते हो ताकि तुम्हारी पेस ना टूटे, कि 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करे, उनके आंसर टिक कर लिए और उन्हें डायरेक्टली फिल कर दिया, या तुम एक काम कर सकते हो कि एक आंसर मतलब निकाला, उसका सॉल्यूशन निकाला और तुरंत उसको एंड टू एंड भर दिया, लेकिन कभी भी पेंडिंग मत छोड़ना कि मैं कम से कम 40-50 एक साथ ही तुम्हारे गोले भरूंगा। तो दो चीज तुम कर सकते हो, क्या चीज, या तो तुम हैंड टू हैंड ही भरो, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करा, आंसर निकाला, तुरंत उसे कहाँ डाल दोगे तुम, अपने उसमें ओएमआर शीट में फिल कर दोगे। सेकंड ऑप्शन क्या बन सकता है कि तुम 4-5 क्वेश्चन करो और 4-5 क्वेश्चन के बाद तुम फिल करो, क्योंकि तुम एक साथ भरोगे ना, कभी कभार हो जाता है कि ऊपर नीचे भर जाता है, क्योंकि तुम हो सकता है बीच में कोई क्वेश्चन स्किप करोगे, तो स्किप करने के बाद हो सकता है कि जैसे मान लो 13 के बाद तुमने 15 भरा, तो 15 की जगह 14 पे फिर पूरा का पूरा गलत होता चला जाता है, तो उस वो गलती ना हो, क्योंकि भाई पैनिक पैनिक में एग्जाम प्रेशर में ही हो जाता है, और तुम्हें पता ही है कि क्योंकि तुम अकाउंट्स और लॉ का पेपर दे के आ चुके हो, तो प्रेशर क्या होता है तुम्हें समझ आ चुका है, लेकिन मैथ्स के में बहुत गंदा एग्जाम प्रेशर आता है, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना मैक्सिमम तुम अटेम्प्ट कर पाओ, उसके ट्रिक मैं बताऊंगा तुम्हें मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे करना है, उतना बेटर है, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे उतना बेटर है, उतने तुम्हारे मार्क्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम ज्यादातर एक्यूरेट आंसर पे क्लिक करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, हर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो उन चारों के तो नंबर कटेंगे, एक एक्स्ट्रा और कटेगा, क्योंकि 0.25 की तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो तुम्हें एग्जाम मिलता है, मैंने बता दिया तुम्हें गोले कैसे भरने हैं, नाम वाम सगैर सब वो भर लेना, और अपना टाइम वेस्ट मत करना किसी को इधर उधर बताने में, क्योंकि लास्ट तुम्हारा 4 बजे तक भी तुम्हारा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि तुम एक तरीके से बीच में 5-10 मिनट इधर उधर कर रहे हो, तो वो मत करना। प्लस तुम्हें एक और चीज सुन लो कि कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब कौन सा क्वेश्चन पहले, कौन सा सेक्शन पहले, कितने क्वेश्चन स्किप करें, कितनी देर एक क्वेश्चन पे लगाएं। तो मेरा ये कहना है कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, एलआर तुम एंड में करना, क्योंकि देखो एलआर का ना कुछ ऐसा होता है लॉजिकल रीजनिंग, तुमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद होता क्या है, अगर तुम्हें वो क्लिक हो गया कि ये मेरे को आता है, तुम्हें उसकी ट्रिक पता लग गई कि इसमें हाँ ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो तुम उसको निकालने में 1 मिनट से भी कम लोगे, लेकिन अगर तुम उसका नहीं पता तो तुम्हारा पूरा पेपर निकल जाएगा, लेकिन तुम्हें उस मतलब उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एलआर को एंड में अटेम्प्ट करना, क्योंकि एंड में तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम होना चाहिए एलआर के लिए, और अगर अटेम्प्ट नहीं भी कर पा रहे हो, क्योंकि कभी कभार क्लिक नहीं होता कि इस क्वेश्चन में लग क्या रहा है असली में, तो उस केस में तुम क्वेश्चन
क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन मेजर जो स्कोरिंग पार्ट है मैथ्स का और स्टेट्स का वो तुम करना। स्टेट्स में तुम्हारी थ्योरी स्कोरिंग आती है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। LRB स्कोरिंग है भाई, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन शुरू में करने का फायदा नहीं है, एंड में करोगे तो फायदा है। टाइम तुम्हारा गलत जगह यूज नहीं होगा। अब मैथ्स तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर आया तुम्हें फर्स्ट से लेके 100th क्वेश्चन तक जाना है सॉल्व करते हुए। लेकिन कैसे सॉल्व करोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया और वो एग्जाम में ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी लाइन होगी, कोई ऐसी सीरीज होगी जिसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे हार्ड डालेंगे तुम आएंगे ही नहीं, ताकि तुम्हें डिमोटिवेट कर दे वो तुरंत। जैसे पांचवा नहीं करा, छठा भी नहीं आ रहा, सातवा भी नहीं आ रहा, आठवा भी नहीं आ रहा, और तुम हो गए फेल, मतलब दिमाग से फेल। क्या चीज कि यार ये तो आ ही नहीं रहे, वो ऐसा करेंगे। उस केस में जरा सा भी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वो तुम एंड में सॉल्व कर लोगे। तुम्हें जस्ट आगे स्किप करते करते आगे बढ़ते जाना है। अब कैसे करोगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देखते ही पता लग गया, हाँ ये मेरे को आता है, रेशो का क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करा, टिक करा, और उसे डायरेक्टली MCQ में, मतलब OMR शीट में भर दिया, ये हो गया काम। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आता तो है लेकिन ऐसा लग रहा कि ये ना लंबा खींचेगा, ये मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो ये लंबा जाएगा, इसे बाद में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इजी है निपटा दो, फोर्थ इजी है निपटा दो, फिफ्थ हार्ड है, आ नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, छोड़ दो, ठीक है। सिक्स्थ ऐसे, तो ऐसे करते 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 तुम्हें 100 तक पहुंचना है। और मेरे हिसाब से जो मेरी प्रिडिक्शन है, अगर तुम अच्छे से तैयारी करके गए होगे तो तुम्हारा होगा क्या कि लगभग तुम जब 100 100 क्वेश्चन तक पहुंचोगे ना, एंड के 100 तक पहुंच जाओगे, तो तुम्हारा एटलीस्ट 50 से 60 नंबर, मतलब 50 से 60 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर चुके होगे। इसका मतलब आप फर्स्ट क्वेश्चन से तुम अपने 100th क्वेश्चन पे आ चुके हो, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, और मेरे हिसाब से तुम्हें इसमें लगेगा 1 घंटा 10 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट, इतने में तुम 100th क्वेश्चन तक आ जाओगे, एक रेगुलर पेस बना के चलोगे तो, ठीक है। साथ के साथ MCQ भी भरते जाना, मैं पहले ही बोल चुका है स्टार्टिंग में ही। इसके बाद अब तुम्हें करना क्या है कि अब जो तुमने पीछे छोड़े हैं 40 क्वेश्चन, अब उसमें 40 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लंबे थे इसलिए तुमने स्किप करे, अब तुम उन्हें सॉल्व करोगे। तो अब तुम्हारा लगभग क्या होगा कि एटलीस्ट तुम्हारे पास 20 मिनट बचेंगे एंड के, उन लंबे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे तब। अब तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस बचते हैं जिसमें तुम्हें डाउट है, जो तुम्हें आ नहीं रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पढ़े नहीं थे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अब उन पर दिमाग लगाओ। अब इसमें LRK भी होंगे, मतलब तुम क्या करोगे, पहले मैथ्स करी, ठीक है, फिर स्टेट्स करी, फिर LR करी, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस करे, ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन जो तुम्हें आते नहीं है। ये नहीं कि LR तुम लास्ट के 20 मिनट में करोगे, जो मैंने 1 घंटा 20 मिनट बोला ना, उसी में मैथ्स जो स्किप करते करते आ गए, स्टेट्स स्किप करते करते आ गए, LR स्किप करते करते आ गए, फिर बड़े क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन जैसे LR में बोलूँ तो डायरेक्शन वाले हो गए, ठीक है, रिलेशन बाइंडिंग वाले, ये सारे जो भी हैं, मैथ्स में इंटीग्रेशन हो गया, और इन और स्टेट्स में भी हैं 2-3 बड़े क्वेश्चन, मीन वगैरह का आ सकता है। तो ऐसे करके तुम्हें अटेम्प्ट करना पेपर, तुम्हें समझ आ गया होगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ। और मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे कर पाओगे, स्किप करते चलो, जो जिस पर तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस है वो तुम अटेम्प्ट कर दोगे, और जो लेंदी थे इस वजह से छोड़े वो तुम लास्ट के 20 मिनट में अटेम्प्ट करोगे, और फिर जो बिल्कुल लास्ट के 20 मिनट बचेंगे उसमें तुम वो क्वेश्चन उठाओगे जो तुम्हें नहीं आते, उसमें तुम ट्राई करोगे, क्योंकि 20 लास्ट में वो डालना इसलिए क्योंकि क्या पता हो जाए। और देखो अगर तुम्हें 50 से 60% भी लग रहा हो ना तो रिस्क ले लेना, तुम्हें तुक्का भी लगाना हो तो ले लेना, कम से कम तुम 10 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो, मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन में रिस्क ले लेना, जिन पे भी तुम्हें 60 से 70% भी विश्वास होना कि यार ये हो सकता है, ये लग रहा है, तो तुम रिस्क ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, और अपने पेपर पे फोकस करना। यही था अब तुम्हारा टास्क, ये एंड तक अगर तुमने वीडियो देखी और तुम अगर ये कल फॉलो करते हो तो तुम्हें काफी हेल्प होगी, तुम्हें ये पता लगेगा कि हाँ ऐसे करके मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। और भाई तुम्हें टास्क के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में PDF दे दिया है, टिक करे हुए क्वेश्चन को सोल्व करो और तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। और आज मैं नहीं बना पाया वो कंटेंट जो मैं सोच रहा था, लेकिन सेम वैसा कंटेंट मैंने तैयार कर दिया है, क्योंकि मैं कुछ नहीं इसे एक अलग PDF में डालता उठा के, उतना टाइम नहीं था। तो मिलते हैं कल, देखते हैं तुम्हारा पेपर रिव्यू कैसा हुआ, कैसा तुम्हारा पेपर गया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।